दिल्ली हिंसा पर बहस का भरोसा देने के बाद भी संसद में हंगामा नहीं थमा। सरकार होली के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष इस बात से नाखुश दिखा, क्योंकि उसकी मांग है कि दिल्ली हिंसा पर होली के बाद नहीं बल्कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए। यही वजह है कि लोकसभा में स्पीकर ने जैसे ही होली के बाद चर्चा की बात कही, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सरकार इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है और सरकार ने कहा है होली के बाद, आफ्टर सेवन के बाद 11 तारीख को इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। यही नहीं, स्पीकर के ये ऐलान करते ही विपक्षी सांसद बेल में आ गए और उन्होंने कागज फाड़ कर स्पीकर पर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर ठंडा होने देने के मूड में नहीं दिखी। यही वजह रही कि सदन के अंदर आक्रामक तेवर दिखाने वाले अधीर रंजन चौधरी ने सदन के बाहर भी सरकार पर हमला जारी रखा और दिल्ली हिंसा पर होली के बाद चर्चा कराने के सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए। अभी कह रहे हैं कि होली की बात होगा, हम लोग कहते कि खून की होली तो हो रहे हैं, अभी भी लाश निकलते हैं, लाशों की कतार बढ़ते जा रहे हैं, आप होली की बात करते हो। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये को गलत बताया और सरकार के फैसले को सही ठहराया। सरकार तो जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। ये जरूर है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही है उसको उनको अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए कि जगह जगह जा करके कि इस प्रकार के बयान क्यों दिए गए। दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग पर एक दिन पहले भी सदन में खूब हंगामा हुआ था और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी।